हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर चैनल पर राम लक्ष्मण संवाद के एमसीक्यूज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? शिव के नहीं, राम के नहीं, पिता के भी नहीं, विश्वामित्र के प्रेम के कारण परशुराम ने लक्ष्मण का वध नहीं किया। राइट आंसर इज डी। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना शत्रु समझते हैं। राइट आंसर इज ए। परशुराम का स्वभाव कैसा है? परशुराम का स्वभाव उदार नहीं है, शील नहीं है, क्रोधी है। तो राइट आंसर इज सी। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? सहस्त्र बाहु की भुजाओं को परशुराम ने काट डाला था। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया? गुरु के नहीं, पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया। राइट आंसर इज बी। लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? एक फूंक से पहाड़ उड़ाना तो योद्धाओं का काम है, तो योद्धा गुण को दर्शाता है। राइट आंसर इज ए। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? पिता नहीं, ईश्वर, ईश्वर मानते हैं शिव को। राइट आंसर इज बी। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? सेवा का काम करने वाला हमेशा सेवक कहलाता है। राइट आंसर इज बी। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? चाटुकारिता पर नहीं किया, आलसी भी नहीं थे परशुराम जी, ना ही उनके वचनों में कहीं मिठास थी, बड़बोलेपन पे उन्होंने व्यंग्य किया है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या हैं? वो लक्ष्मण को मूर्ख भी समझते हैं, कुबुद्धि भी, कुटिली भी, इसलिए हमारा राइट आंसर है डी। बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पर हर क्लासेस के एमसीक्यूज मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूरवीर को अपनी शूरता डैश प्रदर्शित करने चाहिए, कहाँ करनी चाहिए? स्वयंवर के समय नहीं, अपने को औरों से बड़ा दिखाने के लिए भी नहीं करनी चाहिए। शूरवीर को अपनी शूरता का बखान या प्रदर्शित करना चाहिए युद्ध भूमि में। राइट आंसर इज सी। तुम तो काल हाँक जन लावा पंक्ति में निहित अलंकार उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। तो राइट आंसर इज बी। परशुराम ने गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? परशुराम जी ने गाधी सुनु का प्रयोग विश्वामित्र के लिए किया है, और वो विश्वामित्र गाधी सुन गाधी में पिता थे उनके, और सुनु का मतलब होता है पुत्र, तो गाधी सुनु अपने विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ। राइट आंसर इज सी। अय में खांड न उख में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। राइट आंसर इज ए। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? किसी मध्यस्थ को, मध्यस्थ यानी कि किसी बिचौलिए को नहीं, हिसाब किताब के जानकार को ऋण चुकाने के लिए बुलाया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर इज बी। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए थे, लक्ष्मण बार बार व्यंग्य कर रहे थे और परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे, तो क्रोध रूपी आग में जल के समान नहीं, शीतलता भी प्रदान नहीं कर रहे थे, जले पे नमक छिड़कने वाले भी नहीं, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान काम कर रहे थे। राइट आंसर इज डी। राम के वचन परशुराम के लिए क्या थे? राम शीतल स्वभाव के थे, मीठे वचन बोलने वाले थे, तो उनके जो वचन थे वो परशुराम के लिए जल के समान शीतल काम कर रहे थे। राइट आंसर इज ए। इस संवाद में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, या इनमें से कोई नहीं, ओज गुण है, वीरों के अंदर ओज गुण पाया जाता है। राइट आंसर इज बी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? हास्य रस नहीं, करुण रस नहीं, शांत रस में वीर रस की प्रधानता है, वीरों का बखान किया गया है। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कहे हैं? बल्लभ मार्गी नहीं, शिवा मार्गी नहीं, कृष्णा मार्गी, राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो राइट आंसर इज डी।
काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? श्रृंगार एवं करुणा नहीं, करुण एवं रौद्र नहीं, शांत एवं करुण नहीं, हास्य एवं शांत रस की प्रधानता रही है? तो राइट आंसर इज डी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? शिव जी का धनुष तोड़ने की घटना के कारण विवाद हो रहा था, परशुराम जी को गुस्सा आ रहा था। तो राइट आंसर इज बी। शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले की तुलना सहस्त्र बाहु से की है, जिसकी उन्होंने भुजाएं भी काट दी थी। राइट आंसर इज ए। राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? कि धनुष बहुत मजबूत है, नहीं कि धनुष एकदम नया है, इसलिए श्री राम जी ने उन्हें धोखे से छू लिया था। तो राइट आंसर इज बी। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से डैश कर दिया धरती को, क्षत्रियों से रहित, क्षत्रियों का पालन करना, गरीब लोगों की सहायता, या भी धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था और धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। तो राइट आंसर इज ए। तर्जनी देख कर कौन मर जाता है? एक इंग्लिश में आप पौधा कहते हो नोट डोंट टच मी, जो कि पौधा होता है जिसको आप छूते हो तो वो मुरझा जाता है, उसका हिंदी में उसका नाम लिया गया है कुम्भवतिया, यानी कि छुई मुई। तो राइट आंसर इज बी, इसको छूने से मुरझा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? रघुकुल के लोग देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर के भक्तों पर, व गाय पर, सब पर दया करते हैं। राइट आंसर इज डी। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? माता का, पिता का, गुरु का या शिव जी का? गुरु का ऋण शेष था। तो राइट आंसर इज सी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ? सवैया नहीं, चौपाई नहीं, दोहा नहीं। चौपाई व दोहा दोनों का हुआ है, हर चौपाई के बाद दो लाइनों का एक दोहा आता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज डी। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? प्रेम नहीं, मोह नहीं, काल के वश में होकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। तो राइट आंसर इज सी। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? माता पिता को नहीं, गुरु को भी नहीं, राजाओं को भी नहीं, ब्राह्मणों को दान कर चुके हैं। हमारा राइट आंसर इज डी। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? ब्राह्मण के, वैश्य के, क्षत्रिय के, यानी क्षत्रिय कुल के हैं, इसीलिए उनका वध करके ब्राह्मणों को धरती दान में दे दी थी। तो राइट आंसर इज सी। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? परशुराम बहुत ही कठोर शब्द बोलते थे, जो कि वज्र, जिसका मतलब है पत्थर के समान कठोर। तो राइट आंसर इज ए। तो ये थे आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के MCQs। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय चिल्ड्रन।